दोस्तों आज मैं आपके लिए हेमाटोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ब्लड के कंपोनेंट्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। जो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है वो है रेड ब्लड सेल्स, जो कि डिस्क शेप की होती है और इसका प्रोडक्शन भी हमारे बोन मैरो में होता है। जो आरबीसी का मेन फंक्शन है वो है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू थ्रू आउट द बॉडी, मीन्स ये ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराती है और सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। अब जो आरबीसी को है ऑक्सीजन कैरी करने की शक्ति देता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है जिसकी वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसी का जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर और आरबीसी की नॉर्मल रेंज होती है हमारे ब्लड में 3.8 to 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, मतलब आरबीसी कितने टाइम तक जिंदा रहती है, वो होते हैं 120 डेज। 120 डेज के बाद इसका ये डेड हो जाती है और नई आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, जो कि होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमें डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी होती है जो 5 टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल, इसनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है वो ट्राइलोबुलर होता है, या तो उसमें 3 लोब होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। और जो न्यूट्रोफिल होता है वो हमें डैमेज टिश्यू को हील करने में मदद करता है और जो भी इन्फेक्शन होता है उसे रिजॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं इसनोफिल्स की। इसनोफिल्स के अंदर होते हैं बाइलोब्स, मतलब उसके अंदर 2 लोब होते हैं। और जो इसनोफिल्स है वो हमारे पैरासाइट्स को किल करता है और कैंसर सेल्स को किल करता है। अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स होते हैं बीन शेप के होते हैं। इसका काम होता है अगर हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन प्रेजेंट होती है तो ये हिस्टामाइन्स रिलीज करता है और वो हिस्टामाइन्स उस एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स क्या करता है, ये जितने भी डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं उन सब की हेल्प करता है पैरासाइट्स को किल करने में, डैमेज टिश्यू को हील करने में, बैक्टीरिया को किल करने में। ये होता है हमारे किडनी शेप का होता है, आपने किडनी देखी हो, किडनी का डायग्राम देखा हो, उसके जैसी शेप का होता है ये। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स दोस्तों ओवल होते हैं ये, इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो ओवल होता है। ये हमारी बॉडी में जो भी कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे उसके अगेंस्ट फाइट करता है और नई एंटीबॉडीज़ बनाता है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेके 12000 तक होती है पर माइक्रोलीटर, 11000 to 12000 पर माइक्रोलीटर। बच्चों में ये रेंज थोड़ी हाई होती है, 7000 से लेके 15000 तक। और जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 15 दिन तक मैक्सिमम। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से बहुत छोटे होते हैं और इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर हमें किसी भी जगह इंजरी होती है तो ये वहाँ पर जाके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 lakh to 4 lakh पर माइक्रोलीटर होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा की। दोस्तों प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड में सबसे बड़ा पार्ट कंसिस्ट करता है, ये होता है 55% टोटल ब्लड का। ये जो प्लाज्मा होता है वो सारे विटामिंस और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करता है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है उन्हें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।